हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़ियाकार राना अजीम साहब ने। राना साहब शुक्रिया वक्त के लिए। पहले तो फैसले पर अपना रिव्यू दीजिए और क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या टेक्निकली अपने केस को जस्टिफाई कर सकी आज? इस कहने की इजाजत दें आपके, पहली बात यह है कि क्या मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात आप बता सकते हैं, 175 या जो सियासी जमातें हैं उनमें से कोई एक ऐसी सियासी जमात मुझे बता सकते हैं कि जिनके इंतहाबात जो हैं उन पर सवाल उठाया हो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने, उनके हवाले से किसी पटिशन में गए हों चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, उनके हवाले से कोई ऐसी चीज हो कि जनाब वो बड़े साफ और शफाफ इंतहाबात हुए हैं। क्या कोई ऐसे इंतहाबात हैं किसी सियासी जमात के जहां पर कंपिटिशन हुआ है और कहा गया कि इसको 25 वोट पड़े हैं और इसको 50 वोट पड़े हैं, 50 वाला जीत गया है? सबसे पहले तो मेरा ये एक सवाल है, सारे दोस्त बिल्कुल पीटीआई का केस बड़ा कमजोर होगा मान लिया बात, सब कुछ होगा मान लिया बात, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक सियासी जमात है? 16 लोग जो है वो एक सियासी जमात के खिलाफ आते हैं, उस सियासी जमात ने 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, तो इसका मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो हासिल किए हैं और आवाम ने जो उनको वोट दिए हैं उसकी हवाले से फैसला कौन करेगा? फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीटीआई के लोगों ने मान लिया, उन्हें तवक्को भी है, उन्हें क्या पूरे पाकिस्तान को तवक्को यही थी कि यही फैसला हो। लेकिन अब इस फैसले के बाद देखने वाली बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, फैसला 8 फरवरी को होगा। क्या तहरीक इंसाफ के जो लोग आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली नहीं बनाई होगी? मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक तो हिकमत अमली बनी हुई है। और जो लोग ये समझते हैं कि जहाजों में बार बार के लोगों को ले जाया जाएगा आजाद जीतने वालों को, तो फिर एक बात हमें मान लेनी चाहिए, ये जो मैं सुबह सुन रहा था इसी है, फिर एक बात मान लेनी चाहिए, इसका मतलब है जो आजाद लड़ रहा है, जिसको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, जिसको तहरीक इंसाफ ने कल टिकट दी थी, अब वो आजाद इसी से लड़ रहा है और वो जीत जाता है, उसे जहाज में भी भर के लेके जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उस के मुकाबले में जितनी सियासी दीगर पार्टियां हैं उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। फिर अवाम ने जो अपना हक इस्तेमाल किया है, अवाम ने जो वोट दिया है, फिर वो तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दिया। फिर हमें ये भी इस बात को भी नजर रखना होगा। और क्या अब इस माहौल में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जब निशान अलॉट कर दिए गए हैं, तो क्या उन उम्मीदवारों को अपने हलकों में दफ्तर खोलने, दफातर खोलने, जलसे करने, जुलूस करने, अवामी मुहिम चलाने की इजाजत होगी? अगर अब भी नहीं होती बतौर आजाद उम्मीदवार भी, तो फिर क्या इस इलेक्शन पर सवालिया निशान नहीं होगा? या फिर इस इलेक्शन को नहीं देखा जाएगा? हमें नहीं बोल देखे, मैं पहले दिन से कहता हूं जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया उनको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, जो बिल वास्ता बिला वास्ता मशावरत या किसी भी तरीके से उसमें शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिनका दूर दूर तक तल्लक नहीं है, उनको इलेक्शन तो लड़ना चाहिए, उनको इजाजत तो देनी चाहिए। ये वहां हुकूमत थी जिस जो वफाक में भी थी, 2 सूबों में थी, 3 सूबों में उनकी बाकायदा वो उसमें शामिल थी इत्तेहाद में, 4 सूबे में उनकी भी अच्छी खासी सीटें थी, जीबी में उनकी हुकूमत थी, आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी, तो आप उस ऐसी जमात से जब आप उनका इंतहाबी निशान ले लेते हैं, चले ओके फैसला आ गया, लेकिन ये फैसला जो है ना एक जेन में रखें, जो सियासी जमातें इस वक्त सीनियर तकसीम कर रही हैं, जो सियासी जमातें इस वक्त बाकी मामला कर रही हैं, वो मत भूलें कि ये सारी चीजें सब पे लागू होंगी। अगर आज एक ताकतवर इलेक्शन कमीशन, देखें आज इलेक्शन कमीशन को ताकतवर तरीन बना दिया गया है, होना भी यही चाहिए था, बिल्कुल यही होना चाहिए था, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि एक तकरीर पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बड़ा स्टेज बनाकर की थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर जो यह मरियम साहब जो है वो मौजूद थी, इसमें महमूद अचक रही से लेकर बाकी लोग मौजूद थे, जिन्होंने वहां पे बेइंतहा सख्त तरीन अल्फाज में तकरीर की थी, एक स्टेज जो था इन्हीं सियासी लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बनाया था, एक स्टेज जो था वो इन्हीं लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर भी बनाया था, और उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होती थी, और फिर इन्हीं सियासी लोगों ने किसी ने किसी इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन कहा, किसी ने किसी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमीशन पे इतराज किया था, क्या उन सब की फुटेज
जो आज पैमरा के पास मौजूद है, क्या उनकी फुटेज निकाल कर उनके साथ भी वो सब कुछ होगा जो अब बाकी लोगों के साथ हो रहा है? अगर तो ऐसा है तो फिर इससे बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान में एक आजाद और बेहतरीन निजाम इलेक्शन कमीशन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अब भी लोगों को इलेक्शन जो है निशान मिलने के बावजूद भी लड़ने की इजाजत नहीं होगी, अब भी गिरफ्तारियां होगी, अब भी उनको उनके साथ कोई गलत सलूक होगा, फिर आप जेहन में रखिएगा 8 फट भी गुजर जाएगी लेकिन फिर इन इंतहाबात को कोई कबूल नहीं करेगा। और जब किसी इंतहाबात को कबूल नहीं किया जाता तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप अंदाजा यही असल गाले के राजा रियाज अगर अपने निश्चित तौर का अपने बेटे को सीट दे रहे उसे हल्के के लोगों के गमो गुस्से का ठीक है अकरबा परवरी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला आज सामने आया है और पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस ले लिया गया है। राणा अजीम साहब से बात करेंगे। अजीम साहब, जिस तरह आपने मौकिफ सुना मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का, क्या समझते हैं वो किस तरह से सबक ले सकते हैं इस केस से? नहीं नहीं यार, मुझे तो मौका नहीं मिला, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी बहन से सवाल करता कि दानियाल अजीज ने तो एक कितना क्वेश्चन किया था एहसन इकबाल साहब से और आप लोगों ने उसे पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया, यही था ना? अगर आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का ये मसला नहीं है तो दानियाल अजीज ने एक सवाल किया था और उस सवाल का उन्हें हमाजा ये भुगतना पड़ा कि टिकट से भी गए, पहले इन्हीं लोगों के लिए 5 साल के लिए नाहल हुए, फिर इन्हीं लोगों से सवाल पूछने के बाद टिकट से भी गए, अब पार्टी अहदे से भी गए और बुढ़े लाइन भी लग गए। अब ये इसका जवाब कौन देगा? आज इनके सबसे बड़े जो तगड़े लोग थे जो मुल्तान से पीपल्स पार्टी में गए हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी बिलावल भुट्टो साहब के साथ जब उन्होंने टॉक की, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हमने बड़ा टाइम इनके साथ पार्टी में दिया लेकिन ये मफाद रस्ती है, ये फलाह है, ये फलाह है, उस पर इनको जवाब देना चाहिए था ना। क्या दिया इन्होंने? कहा कि हम तो अपने कारकुनों की इज्जत करते हैं। क्या इज्जत करते हैं कारकुनों की? राजा रियाज को आपने टिकट दिया, उन्होंने खुद नहीं लड़ा रहे, बेटे को लड़ा रहे हैं, वहां पे राणा एहसान अफजल जो है वो आपके पार्टी के कारकुन थे, वो आपके पार्टी के लिए जान दे रहे थे, आपने उनके साथ क्या किया? आपने पार्टी कारकुन को जो है कितनी तरजीह दी? मुस्लिम लीग नून वो भी बताए। इनको ये भी बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्यों बनी, मुस्लिम लीग नून क्यों बनी, चौधरी शिजात हुसैन, परवेज लाई, इन सबको इन्होंने क्यों निकाला? ये भी बताएं कि मोहम्मद खान जुनीचो के साथ इन्होंने क्या किया? इनको बताना चाहिए ये सारी चीजें। इनको बताना चाहिए कि मंजूर भट्टो गुलाम हैदर भाई के साथ क्या हुआ था? इन्हें बताना चाहिए सरदार जुल्फकार खोसा और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के साथ क्या हुआ था? ये भी इनको बताना चाहिए था ना। अफसोस ये होता है कि एक सियासी जमात जो है उसको तो ये कहना चाहिए था, अफसोस होता है कि वो ये नहीं कहते। उनके कहना चाहिए था जनाब नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको इलेक्शन में आना चाहिए। लेकिन राणा साहब, आप नहीं समझते कि पीटीआई को अच्छा खासा मौका दिया गया था, इतना टाइम पीरियड था उसके पास, आज जो खास कर का जो खास तौर पे जो फैसला आया है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर आया है, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए तो बहुत मुनासिब वक्त था पीटीआई के लिए, तो क्या पीटीआई को इस हवाले से इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए थे? मेरी आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए? क्या पीटीआई जो है उन पर इल्जाम ये लगा कि आपके सारे लोग बिला मुकाबला हुए? तो मुझे ये बता दें पाकिस्तान में स्वाय जमात इस्लामी के कौन सी सियासी जमात है जिसके लोग बिला मुकाबला नहीं होते? तो मुझे सब ये बता दें कि क्या आप पिछले काफी अरसे से कोई ऐसा माहौल देख रही हैं कि 10 से ज्यादा पीटीआई के लोग किसी जगह, 10 क्या सिंगल किसी जगह मौजूद हो और पुलिस उसे माफ कर दे? आज की मिसाल आप ले लें, छोड़ दें सारा काम, आज ले लें कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब हेयरिंग कर रहे थे और उनके घर पुलिस के डाले चले गए, तो आप उस माहौल में कहते हैं कि वो पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट करती और उसको करने की इजाजत दी जाती? अजीम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, पीपल्स पार्टी भी बड़ी पुल लेकर खास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा है, क्या आप समझते हैं आपका सियासी मुशाहदा क्या कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात या अपने रहनुमाओं को हुकूक देने के हवाले से जस्टिस किया? मुझे तीन चीजें हैं, मैं जिसका सवाल तीन सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढने में नाकाम हो गया, वो शायद करीम कुंडी साहब या मुझे क्या ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी में क्या बिलावल आसफ अली जरदारी या उनके खानदान का कोई और शख्स, इनके अलावा क्या पीपल्स पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है कि वजीर आजम, सदर या पार्टी की क्यादत संभाल सके?
क्या मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान के अलावा कोई नहीं है? क्या इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी जमात में मौलाना साहब के अलावा और कोई नहीं है? क्या इसी तरह आप चले जाएं तहरीक लबैक में, वहां पर क्या उस्ताद रिजवी साहब के अलावा कोई नहीं है? इसी तरह आप चले जाएं एमक्यूएम पर, वहां पर चंद लोगों के अलावा कोई नहीं है? उनके भी लोगों ने देखा, ख्वाजे इजहार ने आज खुलकर मुखालफत की है टिकटों के मामले पे, इतिहाद के मामले पे। बात यह है कि जी आज इन सबको खुश होना चाहिए, खुश होना इनका भी हक भी बनता है, इसलिए बनता है चाहे वो कोई भी आप सियासी किसी भी सियासी जमात को भी आप लाइन पे लेंगे तो वो खुश होंगे। खुश क्यों होंगे भाई? इसलिए कि इन तमाम सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो था तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार। वो डरते थे कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है उसके आगे हम इलेक्शन हार जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो ये कहते जनाब उनका फलाह देखें, एतराज है सरबरा पीटीआई पे, जनाब उन्होंने फला फला काम किया। वो किधर है? वो जेल में, उनके कागजात नामजद की मुस्तरद हो गए, वो जेल में, वो इलेक्शन नहीं ला रहे, उनको आप किसी तकरीर करने नहीं दे रहे, आप उनको पाबंद सरासल किया हुआ, ओके वो साइड पे हो गए, उनके मुकदमात का फैसला हो। बाकी जो लोग पाकिस्तान से बाहर है ठीक है, जो उन पर भी मुकदमात है। उसके अलावा जिन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए, जिन उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई, अगर वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कोई किसी एक इंतहाबी निशान से वो इलेक्शन लड़ते, देखे पीपल्स पार्टी इसी तरीके से इसी पोजीशन से गुजरी है, लेकिन उनको एक इंतहाबी निशान मिल गया, एएनपी को एक इंतहाबी निशान मिल गया था। ये दो सियासी जमातें, जहां पर मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ सेनेट के मामले पर यह मामला हुआ था, बाकी जो उसके उनके जो इलेक्शन थे वो कभी भी खत्म नहीं हुए थे। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया तो फिर भी उनके पास उनका इंतहाबी निशान रहा था। अगर साइकिल का निशान काफ लीग को चला गया था तो नून लीग के पास शेर का निशान आ गया था। देखिए अब उन तमाम सियासी जमातों को, जिन सियासी जमातों को अवामी सर्वे होने वाले अवामी सर्वे और दीगर मामला तो ये वाजे नजर आ रहा था कि वोट बैंक किसके साथ है, वोट बैंक किसके साथ जाएगा। यंगस्टर वोटर जो इस वक्त पाकिस्तान का 65% हिस्सा है वोटर लिस्टों में, वो उनमें से ज्यादा अक्सरियत किसको वोट देगी? तो फिर तो उनका खुश होना बनता है ना कि एक सियासी जमात से उनका निशान छिन गया, एक सियासी जमात के खिलाफ फैसला आ गया। तो फिर ये बयान ना दें, और अगर ये जाकर ये बयान दें जनाब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मुझे तो अभी फैसल करीम कुंडी साहब की बात पे हैरानगी हो रही थी कि वो कह रहे थे नहीं जी पार्टियों का डिसिप्लिन होता है कि जिसको टिकट ना मिले तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो आज इनको याद नहीं है कि आज इनके छह जो है बिलावल भट्टो सरदारी साहब वो नून लीग के लोगों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवा रहे थे मुल्तान से, ऐसे ही हो रहा था ना। तो फिर उस वक्त ये कानून लागू क्यों नहीं हुआ? उन्होंने क्यों उन्होंने कहा कि नहीं भाई अगर आप लोगों को टिकटें नहीं मिल रही, आप लोगों को अप्लाइज नहीं किया जा रहा तो आप पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें और अपनी पार्टियों में रहें। बिल्कुल, कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, पार्टियों में रहें। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिए का राना अजीम साहब मौजूद।